हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जूले तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में तो देखिए आज मैं आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे तो आज मैं हूँ रिकांग में जो कि हमारे जिला किन्नौर का मुख्यालय है ये जो सामने आप बहुत सुंदर सी पहाड़ियाँ देख रहे हैं ये है बहुत ही फेमस किन्नर कैलाश और इस पे जो आप बर्फ़ देख रहे हैं ये जो बर्फ़ है ये बिल्कुल भी नहीं गलती है ये बारह महीने ऐसी ही रहती है और इसके साथ ही यहाँ पे एक बहुत ही फेमस शिवलिंग भी है इसी के साथ यहाँ की एक और बहुत ही ख़ास चीज़ है वो है चिलगोज़ा जो कि एक ड्राई फ्रूट होता है और लोकल बोली में इसको न्योज़ा कहते हैं और ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं सभी चिलगोजे के पेड़ हैं और बहुत ही महंगा मिलता है इस साल चिलगोजे का जो मार्केट प्राइस है वो है सतारह सौ रुपये से लेके दो हज़ार रुपये पर केजी तो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी चिलगोजा कैसा होता है तो चलिए फिर आपको यहाँ की लोकल मार्केट भी दिखाते हैं कैसी होती है तो ये है रिकॉम्पियो का सबसे फेमस और व्यस्त चौक और इसके साथ ही है यहाँ की मेन मार्केट ये है रिकॉम्पियो की मेन मार्केट तो यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं और यहाँ पे जो है पूरे किन्नौर के लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं और यहाँ पे हर तरह का सामान मिल जाता है तो यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं ये है किन्नौरी शॉल तो देखिए इस तरह का होता है चिलगोज़ा इसके दाने काफ़ी छोटे होते हैं तो ये काफ़ी कॉस्टली होता है क्योंकि इसको निकालने में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तो हमारे किन्नौर में काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिसमें ये हैं अखरोट और बादाम और खुरमानी बहुत ही फेमस है और काफ़ी महंगा बिकता है ये सारा सामान इसी के साथ यहाँ की एक और बहुत ही फेमस चीज़ है वो है किनौरी राजमा जो कि मार्केट में बहुत ही महंगा बिकता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और ये है हमारे किनौर में पहने जाने वाली ज्वेलरी खास करके ये अपर किनौर में पहना जाता है और ये जो सामान आप यहाँ देख रहे हैं ये सभी सामान हमारे किनौर के घरों में प्रयोग होने वाला सामान है ये जो सामने आप देख रहे हैं इसमें सत्तू को रखा जाता है तो हमारे किनौर में सत्तू बहुत खाया जाता है तो सत्तू के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखना और यहाँ पे जितना भी सामान है सभी हमारा किनौरी उत्पाद है और यहाँ पे है किनौरी राजमा और इसके साथ है काला जीरा तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको रिकोंग पियो के बारे में काफ़ी कुछ बताया है तो रिकोंग पियो और कल्पा घूमने के लिए हर एक दिन यहाँ पे काफ़ी सारे पर्यटक आते हैं तो आप सभी भी यहाँ घूमने के लिए ज़रूर आइए बहुत ही खूबसूरत जगह है प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर है तो यहाँ पे जो है शिमला से डेली काफ़ी सारी बसेज आती है और दिल्ली चंडीगढ़ से सीधी बस आती है तो फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो यहीं तक का है उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी फिर मिलेंगे आपके साथ एक और नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार